गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सिद्धिल, सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत करता हूँ जेएस प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी जो जॉब में लगाता है ना, रिक्रूटर बोलते हैं उनको या रिप्लेसमेंट वाला भी बोलते हैं, उन लोगों के साथ जाके वीडियो बनाओ। देखो, यदि आपको कोई, चलिए आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ और मैं बातें करता हूँ पीछे से, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि दुबई का जो कंसल्टेंसी होता है उन लोग से मिलके वीडियो बनाने के लिए, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगा दुबई का जो कंसल्टेंसी किस तरह से काम करता है और फ्रॉड कैसा होता है और जो जेन्युइन वाला कंपनी होता है यानी कंसल्टेंसी वो कैसा होता है, ठीक है। अब फिर आप कंसल्टेंसी बोलूँ या फिर जॉब रिक्रूटर वाला बोलूँ या जॉब रिप्लेसमेंट वाला बोलूँ या फिर एजेंट बोलूँ जो जॉब पर लगाता है, ठीक है, इन लोग फ्रॉड है कैसे पता कर सकते हैं या फिर जो जेन्युइन है वो कैसे पता कर सकते हैं, ये मैं अपना तजुर्बे से जो अभी तक मैंने जो सीखा है, समझा, देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, ये चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। एकदम फाइनल है, ऐसा नहीं, आप भी आगे जाके इसको एनालाइज कर सकते हैं, सच है नहीं है देख सकते हैं, ठीक है। आपको सही लगे तो आसमान, नहीं तो कूड़ा में डालते हैं। खैर, तो मैं शुरुआत करूँगा सबसे अभी जो ट्रेंड में चल रहा है उससे। मान लो जैसे कि आप कोई भी कंसल्टेंसी में जाते हो या किसी एजेंट के पास जाते हो, मैं विजिट पे हूँ, जॉब ढूंढ रहा है, ऐसे बोलते हैं तो वो लोग बोलेंगे हाँ वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल रहता है, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, तो लेकिन हमें कमीशन पे करना पड़ेगा। वो सीधा मुंह खोल के बोलेगा, तो कमीशन कितना देना है बोलने से फर्स्ट मंथ का जो भी सैलरी होती है वो एडवांस हम लोग लेता है, ये बोलेगा, ठीक है। या कोई बोलेगा हाफ मंथ, हाफ सैलरी लेते, सीधा बोलेगा। तो सबसे बड़ा बात ये है, सैलरी फर्स्ट मंथ का या फुल देना या हाफ देना वो बड़ा बात नहीं रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको जॉब मिल जाएगा तो उससे बड़ा क्या हो सकता है ना, लेकिन वो पैसा देना है आपको एडवांस, और वो भी विथआउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, कोई एग्रीमेंट भी नहीं होगा, ना कोई आपको ऑफर लेटर, ना कोई कुछ भी नहीं, ना आपने कोई पैसा दिया स्लिप, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो भी कम अमाउंट नहीं, 1000-2000 डिपेंड करते हैं। बोलेंगे कि आपको 2000 का जॉब लगा देगा, हम सोलो 2000 पहले डिमांड कर लेते, कोई आपको 2000 का जॉब लगा उसको 1000 डिमांड करते हैं हाफ सैलरी, राइट। तो मान लो सपोज अभी फ्रॉड वाला है और आपने उसको पैसा पे कर दिया, 2000 रुपये पे कर दिया, तो वो लोग क्या बोलेगा, आपको 3 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, अभी 3 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है बोल के चला जाएगा, ठीक है। या कोई मान लो कोई तो जुटमुट कर रिसीट भी दे देते, वो रिसीट से कोई होने वाला नहीं, क्योंकि वो रिसीट लेके आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि ये इलीगल है यहाँ, सॉरी मैं थोड़ा गला ठीक नहीं है। तो उसके बाद जब 3 दिन तक आप वेट करते हो, 3 दिन के बाद आप फ़ोन करते हो, तो वो क्या कहते हैं, नहीं हमारा जो मैनेजर है वो बीमार है, या फिर क्या बोलेगा, ये एचआर है घर गया है, और ये है वो, कुछ ना कुछ बहाना लगाएगा, फिर एक्सटेंड करके और 2 दिन का। तो ऐसे करते करते आपका जो यहाँ पे जो विजिट वीज़ा में होने से एक लिमिटेड टाइम होता है ना, 2 महीने का या 3 महीने का, वो ख़त्म होने लगता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसके बाद और टेंस में आ जाते हैं। पहले जो आपने 2000 रुपये पे किया था, आप इस तरह से कॉन्फिडेंट था कि हाँ वो मुझे जॉब दे देगा, क्योंकि उसने आपको इस तरह से कन्विंस किया होता है, तो आपको लगता है वो जॉब दे देगा, इसलिए मेरा पैसा लिया है, अब मुझे आराम करना है, बस जॉब आके वो दे देगा ऐसा। पर ऐसा कुछ होता नहीं, आप उसके भरोसे बैठ जाते हैं, आपका विजिट वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है, और जो भी आपके पास 2-4 रुपये तो वो खाने में पीने में निकल जाता है, क्योंकि दुबई में आने के बाद आपको सोने का, खाने का, पीने का सब कुछ के लिए पैसा है यहाँ पे, राइट। देन आप परेशान में आ जाते हो, फिर आप रास्ते में आ जाते हो, तो इसी तरीके से फंस जाता है। एक तो ये हो गया फ्रॉड में फंसने से, ये लोकेशन बढ़िया था इसलिए थोड़ा सा दिखा दिया आपको। यदि वो एजेंट हो या फिर कंसल्टेंसी वाला हो या फिर वो जॉब रिप्लेसमेंट वाला, यदि जेन्युइन है तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो कैसे करते हैं, वो भी आपको मांगता है तो सेम उसी तरह से, या तो एडवांस डायरेक्ट फर्स्ट मंथ का जो सैलरी फुल मांगता है या फिर हाफ मांगता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मांगने जिस दिन वो मांगते उस दिन को, जिस दिन को आपको लगाना है, जैसे आपको आज पैसा लेके आओ शाम को काम पर लगा देगा, या फिर काम पे लेके जाएगा, ये है आपका ड्यूटी, आप ज्वाइन करो, पैसा मुझे दे दो, इस तरीके से जिस दिन पैसा लेते हैं उसी दिन पे काम लगा सकते हैं। बहुत रेयर केस में होता है कि आज पैसा लेके काम लगा, कल काम लगाना, क्योंकि आजकल किसी को विश्वास नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जो भी जो जेन्युइन होते हैं वो लोग आज पैसा लेते आज ही काम लगा देते आपको, ये होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी होते हैं आज पैसा लेके कल लगाने वाला भी होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो बात है, दूसरा टाइप्स ऑफ जो कंसल्टेंसी बोलो या जो रिक्रूटमेंट बोलो, जो दूसरा तरीके से लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं, मान लो आप अभी भी मान लो जैसे कि आप विजिट में ही हो, विजिट में हैं और आप जॉब तलाश कर रहे हो, तो वो लोग कहीं से कहीं आपको नंबर मिल जाता है तो आपको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हाँ आप इंटरव्यू में आ जाओ। मान लो सपोज आप खुद ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं फेसबुक का पेज में बोलो या फिर लिंक्डइन में बोलो, इंडीड में कहीं कुछ वैकेंसी देखता है,
जो भी सेल्स का देखता है फ़ोन करते तो वो कंपनी नहीं बल्कि कंसल्टेंसी वाला निकाल देते कभी कभार। तो कंसल्टेंसी वाला होता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ इंटरव्यू के लिए आ जाओ, हम लोग आपको जॉब देगा। उस वक्त आपको बोलते हैं पासपोर्ट का कॉपी लेके आओ, वीज़ा का कॉपी लेके आओ, ये सारा चीज़ लेके आओ बोलते हैं। फिर जब जाते हैं तो खास उसको कुछ इंटरव्यू लेना होता नहीं क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता खास क्या करना है। आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स का कॉपी ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन का जो है 50 दिरहम लगेगा या 100 दिरहम लगेगा या 200 या 200 500 500 जो भी वो अमाउंट बताता है। तो आप वो जब उसको पूछते हो कि ये अमाउंट किस चीज़ के लिए, तो उन्होंने बता रहा है आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना होगा, हमें एचआर को बेचना होगा, कंपनी में बेचना होगा, ये फलाना दुनिया भर बताएगा। और तो आपको बोले जॉब कब मिलेगा, आप बोल से आपको जो जॉब चाहिए मिल जाएगा 10 दिन का टाइम, उसके अंदर जॉब मिल जाएगा, आखिर नहीं मिला तो आपको पैसा रिटर्न, वो ऐसा बोलेगा आपको। ठीक है, तब तो आप चला जाते एकदम ठीक है बोल के पैसा 100 रुपये 200 रुपये पे कर दिया और रसीद एक देगा और रसीद लेकर घर पे गया। आपको सोचते कि वो रसीद यदि कल को जॉब नहीं तो रसीद लेकर हम पुलिस के पास गए, वो आप जा नहीं सकते क्योंकि वो लीगल नहीं है। ठीक है, वो पैसा आप मिलेगा नहीं, चाहे 200-400 रुपये के लिए पुलिस भी शायद एक्शन ना ले। तो जब वो आप घर चला जाते हो फिर वो क्या करते हैं, क्या करते हैं जैसे कि दुबई में सिर्फ नहीं यूएई में जितना भी वैकेंसीज होता है, क्योंकि यूएई में लाखों कंपनी है, हज़ारों कंपनी है, कोई ना कोई कंपनी में वैकेंसी होते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वर्किंग इंटरव्यू रखता है या फिर हाँ वर्किंग इंटरव्यू रहता है या वैकेंसी है तो ऐसे एडवर्टाइज़ करते हैं। तब वो लोग क्या करते हैं, वो स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर क्या फेसबुक से बोलो या गूगल से बोलो या इंडीड से लिंक्डइन से जो भी वर्किंग इंटरव्यू का वो लोग लिस्ट होता है वो निकल के आपको बोलते हैं। जैसे मान लो आप दुबई में रहते हो तो शारजा में कोई इंटरव्यू हो गया, मान लो सपोज का कोई सेल्स का इंटरव्यू चल रहा है, वर्किंग इंटरव्यू चल रहा है। वर्किंग इंटरव्यू मतलब वो होता है कि कंपनी खुद बोलते हैं कि कोई एजेंट के जरिए नहीं, आप लोग खुद आओ अपने दम में इंटरव्यू दो, पास होकर जॉब लेके जाओ बोल के। तब वो एजेंट लोग बोलते हैं आपको फ़ोन करके, हम लोगों ने बात किया है मैनेजर से, एक मिनट फ़ोन आ गया। तो वो लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं, शारजा में वैकेंसी है, शारजा में वैकेंसी है, इंटरव्यू चल रहा है, आप कल जाके इंटरव्यू अटेंड करो, वहाँ का मैनेजर से एचआर से मैंने बात कर लिया, आप पास हो जाएगा। जब आप वहाँ जाते हो इंटरव्यू अटेंड करता हो फेल हो जाते हो क्योंकि वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड ही नहीं होता है। तो वो कंपनी वाले भी तो ऑब्वियसली उसको सेलेक्ट करेगा ना, जिसका प्रोफाइल मिलता हो, जिसको अपना प्रोफेशन से हो, है कि नहीं। ऐसे कोई भी एरर गिरा तो वो लोग ऑब्वियसली हायर नहीं करेगा क्योंकि कंपनी वाले तो वीज़ा के लिए पे करना है, सैलरी देना है, राइट। तो उसको भी जो बंदा सही लगे वही हायर करेगा, है कि नहीं। तो आप वहाँ पे फेल हो जाते हो, तो आप जब बोलेगा वो कंसल्टेंसी वाला को, अरे सर मैं तो फेल हो गया, आप तो बोलो पास हो जाएगा, वो क्या बोलेगा आपको, नहीं हमने जिस मैनेजर से बात किया था वो मैनेजर नहीं आया, वो बीमार है, वो एचआर नहीं आया, बीमार है, ऐसा कुछ ना एक्सक्यूज लगा देगा आपको क्योंकि उसने कंपनी वाले से कभी बात ही नहीं किया, वो तो सिर्फ वर्किंग इंटरव्यू देखिए भेज दिया आपको। बोलते हैं अभी हम आपको दूसरा शेड्यूल मिला गया इंटरव्यू के लिए, दूसरा मैनेजर से बात करें, ऐसे बात करें, आप वहाँ जाओ, वहाँ पास हो जाएगा। फिर आप घर जाते हो, आपको आना जाना खर्चा हुआ है ना, वेस्ट हो गया, वो टाइम वेस्ट हो गया। फिर आप घर जाओगे, फिर घर जाकर उसका इंटरव्यू वेट करके वो 2-4 दिन नहीं बोलेगा, फिर 5 दिन में एक दो बार आप फ़ोन करेंगे, फिर 5 दिन में एक इंटरव्यू दिला देगा, वो वॉकिंग इंटरव्यू होगा वो भी कहीं ना कहीं। फिर वो वॉकिंग इंटरव्यू जाएगा, वहाँ भी आप इंटरव्यू देगा, पास नहीं होगा, तो पास नहीं होगा बताएगा, फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देगा। तो इसी तरीके से आप फंस जाते हो, ये एक टाइप का फ्रॉड होता है। ठीक है, मान लो इसी जगह में जो जेन्युइन होता है तो वो क्या करते हैं, वो भी शायद रजिस्टर करवाता है तो वो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं लेता है, 500 200 1000 नहीं लेगा वो, शायद 10 रुपया 10 दिरहम या 20 दिरहम ले सकता है वो। वो इसलिए क्योंकि जब आप रजिस्टर करके रखते हो तो आप भी वो करते हैं ना कि अरे मैंने पैसे दिया है, वहाँ उसको आप फॉलो अप करते हो। जब आप 10 या 20 रुपये दे के रजिस्टर करते हैं वहाँ पे, तो उनके पास क्या होता है, डाटा रह जाता है आपका, मतलब जो है आपका CV रह जाता है। तो वो कंसल्टेंसी वाला क्या करता है, डिफरेंट कंपनीज में जाता है, बड़े बड़े कंपनी में है ना, उन लोग से बात करता है, आपके पास कोई वैकेंसी है तो हमें डिमांड दो, या फिर आने वाले समय में वैकेंसी होगा तो हमें दो, आपको कैंडिडेट मैं प्रोवाइड करता हूँ। वो लोग बात करते हैं वहाँ पे, फिक्स करते हैं वहाँ, डिमांड लेता है कि नहीं। जब वो लोग वैकेंसी लेके आते हैं तब उस वैकेंसी का जो लिस्ट होता है, वो लिस्ट और जो अभी आप लोगों ने रजिस्टर किया वाला होता है उसके कैंसिल में, वो कैंडिडेट का लिस्ट, वो दो लिस्ट को देखता है। तब यदि आपका जो प्रोफेशन है, आपने जो CV में लिखा है वही यहाँ पे वैकेंसी होता है, तो तब आपको फ़ोन करके वो बुलाते हैं, तब बोलते हैं कि कल आपका इस फलाने में काम है, आप वहाँ जा सकते हैं, आपको इंटरव्यू देना जरूरत नहीं, आप वहाँ जाकर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। या किसी को थोड़ा बहुत इंटरव्यू देना होता है, मान लो आपका सपोज अपना जो भी इंट्रो वगैरह देना होता है, मतलब वो आपका नाम साम बताना, एज बता के आप वहाँ डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्रकार का भी होता है यदि जेन्युइन कंपनी होगा तो। लेकिन उस केस में भी वो क्या करते हैं, पहले 10 रुपये लिया वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए था, ताकि आपका बायोडाटा उसके पास बैठ जाए, है कि नहीं, जो भी डाटा लिस्ट हो जाए उसका। उसके बाद जब आप जिस दिन लगा रहे होते हैं काम पे, उस दिन आपसे बोलता है
मान लो सैलरी 1000 है या 2000 है, तो बोलते इतना आपको सैलरी आई मीन कमीशन पे करना होगा, फुल सैलरी या हाफ सैलरी फर्स्ट ऑफ मंथ का पे करना होगा। और उस केस में यदि आपके पास पैसे ना हो तो यदि जेन्यून है तो वो बोल सकते कि आपके सैलरी से काटेगा, क्योंकि उसने मैनेजर से बात किया होता है, एचआर से बात किया होता ऑलरेडी, राइट। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, ज़्यादातर क्या होता है आपको ऑन द स्पॉट ही पे करवा के ही उन लोग लेके जाते हैं कंपनी में, ठीक है। तो ये तरीका से काम चलता है दुबई में, जो जॉब रिप्लेसमेंट का हो या कंसल्टेंसी का हो या एजेंट का हो गया, ठीक है। तो देखो, पता करने के लिए आप शायद यूएई में है, दुबई में है, तो आप सोच रहे होंगे कि वो फ्रॉड है कि नहीं, मैं ऑफिस में जाके देख के पता करेगा, वैसे पता नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ तो बार्बर नहीं होता, जो छोटा सा दुकान जो बाल काटने वाला वो भी दुकान खोल के वेबसाइट वगैरह बना के बैठा होता है, इसलिए छोटा मोटा वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं कैसे देखना है बोलने से, यदि आप दुबई में हो तो आप उसका ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपका जो सक्सेस का रेट क्या है, कितना आपने काम लगाया है वो सब देख सकते हैं, उनका वेबसाइट, जब वेबसाइट देते हो तो वेबसाइट में सारा लिखा होता है। यदि कोई जेन्युइन कंपनी है तो डेफिनेटली उसका सक्सेस रेट तो उसने ट्रांसपेरेंट रखेगा ना, ताकि उसको और भी कैंडिडेट या क्लाइंट्स मिले। इसलिए यदि वो फ्रॉड है तो डेफिनेटली वो नहीं रखेगा, वो डेफिनेटली शेयर नहीं करेगा, बताएगा नहीं, उसके कोई सक्सेस रेट होगा नहीं, जितना भी उसने फ्रॉड ही किया हुआ, राइट। तो ये चीज़ें, और यही चीज़ें पता करने के लिए आपको यूएई में क्या आप होम कंट्री में रह के भी आप पता कर सकते हैं, राइट। तो ये इजी था जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, उम्मीद करते हैं आप फाइंड आउट करेंगे। और वैसे भी इस रिलेटेड में वीडियो बनाने मैं नहीं अकेला, बहुत लोग हैं, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा लंबा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन देना था वो दे दिया और मेरा अपना डेस्टिनेशन भी आ गया। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मज़े कीजिए, बाय बाय।